दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं। कोविड से दो चीजें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं, एक अर्थव्यवस्था और दूसरी शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली पर बात करते हुए नवागत कुलपति ने कहा कि बिहार प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात GIR 13.9% है, जो कि पूरे भारत में सबसे निम्न है, और तमिलनाडु का 48.7% है, जो कि अधिकतम है। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात को लेकर बहुत अच्छी नहीं है, जो केवल 24% से के लगभग है, जबकि नई शिक्षा नीति में ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात 50% करने की बात की गई है। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान GIR को बढ़ाने के लिए हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। NIRF रैंकिंग में उत्तर प्रदेश राज्य का कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं है। मेरा उद्देश्य अगले 1-2 वर्ष में गोरखपुर विश्वविद्यालय को टॉप 50 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल करने का है। दूसरा, इस क्षेत्र के GIR को बढ़ाने के लिए डिजिटल एजुकेशन सेंटर विकसित करने का प्रयास करूँगा और आपको 3 वर्षों में अंतर दिखाई देगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय के महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के एक अंतर्राष्ट्रीय पीठ बनाना चाहता हूँ एवं इस विश्वविद्यालय में सभी धर्मों तथा हिंदी के साथ साथ विभिन्न विश्व प्रख्यात भाषाओं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज आदि की पढ़ाई भी होनी चाहिए। इस दौरान अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कुलपति ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में टैलेंट की कमी नहीं है, परंतु उचित माहौल ना मिलने के कारण हम उन्हें आकार नहीं दे पा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, माय ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ पीपल हु प्रेजेंट हियर ऑन दिस डे एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू द न्यू वाइस चांसलर सर प्रोफेसर राकेश सिंह जी एंड राजेश सिंह जी एंड आई वुड लाइक टू एश्योर यू सर दैट एज द गोरखपुर यूनिवर्सिटी फैमिली try to follow your encouraging words and try to fulfill all the assurance we are giving here that we try to fulfill all the quality details you have mentioned over here and I would like to express the gratitude to the media and public relation officer Shri Mahendra Singh ji and Dipen Mohan Singh ji to all media personnel who are present here to cherish this memorable moment with us to all the faculty members we have our chief proctor sir here professor Pradeep Yadav ji and all other faculty members we have sampatti adhikari treasurer officer with us and all other members who are present and we have professor Ajay Shukla sir with us and everyone the words are very limited to thank you all to be a part of this memorable event but I assure you that we all will definitely follow your path your guidance and हमारा है कुछ आइडियाज़ जो भी है तो एक तो ये जो कोविड-19 के दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं जो अभी भी हम लोग को भी नहीं पता है। अभी कोविड इज स्टिल द वे ऑफ लाइफ, कोई कहे अभी कब तक चलेगा इसका इम्पैक्ट पता नहीं है। तो इसने दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, वो एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। और एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज होने जा रहा है, क्योंकि मैं बिहार से आ रहा हूँ। बिहार में करीब 4 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूँ मैं, और मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत स्कोप है हायर एजुकेशन में खासकर काम करने का। तो एक स्टेज थी जब मार्च में मैं 2 नई यूनिवर्सिटी का चार्ज मिला तो मेरे को लोगों लगा क्या करें, सब वाइस चांसलर लोग अपने घर सो रहे थे तो मैं काफ़ी एक्टिव था। मैंने उस पर काम किया, मैंने डिजिटल लेक्चर और सोग्राफ मंगाने स्टार्ट किए। बिहार ऐसी जगह है जहाँ की क्लासेस नहीं होती हैं, कई बार ज़्यादातर नहीं होती हैं, जो एफिलेटेड कॉलेज नहीं होती हैं। दिस इज़ अ फैक्ट, ये सबको मानना चाहिए, तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम बट आप सब लोग ऑनलाइन लेक्चर सबमिट करो। तो टीचर बोलते हैं कि हम
सबमिट नहीं कर, कोई पहले नहीं किया, पहले नहीं करते थे। मैंने कहा पावर पॉइंट में करिए, हैंड रिटन करिए, पीडीएफ में करिए, जैसे भी करना चाहते हैं करिए। तो पहले तो बोलता था तो नहीं करते थे, फिर लगता था वो स्टे फ्रॉम होम, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था, मेरा पता नहीं तनख्वाह कैसे बनेगी, इसलिए करो। मैंने रियलाइज़ किया कि 90% लेक्चर जो बना के भेजे गए वो अप टू डेट नहीं थे। एक चीज़ मैंने सीखी और मैंने बताई, फिर राजभवन एक्टिव हुआ, मैं भी एक्टिव रहा, फिर हम लोग उसको बोलते रहे इस फॉर्मेट पर लिखिए, लोग नाम लिख के भेज देते थे, कुछ लोग डाउनलोड कर लेते थे, नाम नहीं चेंज करते भेज देते थे। तो ये स्थिति है हायर एजुकेशन की, इसलिए इसमें स्कोप बहुत है, वो हमने सीखा वहाँ पे। ग्रास एनरोलमेंट रेशो बिहार का करीब 13.9% है हायर एजुकेशन में, वो लोएस्ट है। वहाँ का तमिलनाडु का 48.7% है, हाईएस्ट है। तो आप वेरिएशन देखिए, मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, वहाँ का बिहार का लोएस्ट ग्रास एनरोलमेंट रेशो है। तो मेरे से कई मेरे दोस्त हैं दिल्ली में बैठे हुए वाइस चांसलर, मेरे से मजाक करते थे कि भाई पूर्णिया है कहाँ। तो मैंने देखा कि 2 साल 2.5 साल में मैंने वहाँ का ग्रास एनरोलमेंट रेशो 9% से 18% किया, केवल उसका एनरोलमेंट बढ़ाया। मैं ऐसे बात करता था, कोर्सेज की बात करता था, तो बच्चे अट्रैक्ट हुए जो बाहर चले जाते थे दिल्ली, तो वो एडमिशन लेने लग गए। तो 30,000 एडमिशन था, वो 70,000 चला गया। तो ये इतना स्कोप है हायर एजुकेशन में। हम लोगों ने कोविड-19 में रियलाइज़ किया कि 50% जो नई आपकी नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो कहती है 50% आपको चाहिए ग्रास एनरोलमेंट रेशियो। फ्रॉम वेयर इट विल कम? इट विल कम फ्रॉम द स्टेट्स लाइक बिहार और यूपी। यूपी की भी हालत अच्छी नहीं है। यूपी का जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है फ्लैक्चुएट करता है 24-25%, मतलब बिलो एवरेज, इंडियन एवरेज है। और लास्ट 5-6 साल से नेशनल एवरेज से नहीं बढ़ रहा है। जब तक ये नहीं बढ़ेगा तो हम 50% जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कैसे करेंगे, तो वो चैलेंज है। तो मैंने कोविड-19 में देखा कि ये जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। हम लोग डर जाते हैं लेकिन हम लोग ने सीखा, बिकॉज मतलब मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो आपको दिखेगा। तो ये मैंने स्टेटमेंट दिया है कि वो हम लोग ने सीखा कि ये तरीके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ और नहीं था। तो ये नई नई चीज़ें एजुकेशन में चेंज हो रही हैं। और हम मेरा महामहिम से वो था इंट्रैक्शन, तो बोले कि हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये है। तो मैंने कहा सर मैडम आपकी यूनिवर्सिटीज़ ना तो क्वालिटी में अच्छी है ना तो क्वांटिटी में अच्छी है। उसको मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा स्कोप बहुत है हर यूनिवर्सिटी में, चाहे गोरखपुर में बैठिए चाहे बरेली में बैठिए, आपको क्वालिटी बढ़ाना है। नेशनल NRIF रैंकिंग में कोई भी यूनिवर्सिटी यूपी की कुछ ने पार्टिसिपेट किया है नहीं, 16 से चल रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो मेरा एक टारगेट है कि मैं पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर को 1 या 2 साल के अंदर टॉप की 50 यूनिवर्सिटीज़ में ले आना है। ये एक टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ, इस पर मैं काम भी किया हूँ। हर सब्जेक्ट पे काम करना पड़ता है, और हमने चूंकि प्रॉब्ली ठीक से सीरियसली लिया नहीं तब तक नहीं, तो एक वो दूसरा हमें ग्रास एनरोलमेंट रेशो इस क्षेत्र का बढ़ाना है, और वो डिजिटलाइजेशन से ज़्यादा डिजिटल एजुकेशन जितने भी सेंटर हैं, जितने भी इसके प्लेटफॉर्म हैं, हम लोग यहाँ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक ये है कि ये हम लोग, और मेरे टारगेट में है कि 3 साल में डिफरेंस दिखाई देगा। दूसरा एक मैं लेके आया हूँ, मेरी कई बार चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई, राजभवन में भी मैंने चर्चा की, तो गोरखनाथ पीठ एक है, मैं इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पीठ बनाना चाहता हूँ, और ये मिशन मोड में बनाना चाहता हूँ। हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आप अगर रिलीजन या पॉलिटिक्स को घुसाइए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट निकलता नहीं, जब तक आप इसमें एकेडमिक्स के माध्यम से चीज़ों को ना करें।
मेरे विचार में ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें जो बेस्ट लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड की सारी पढ़ाई जाएँ, चाहे हिंदी है, चाहे फ्रेंच है, चाहे चाइनीज है, चाहे जो भी लैंग्वेजेस है, और उन लैंग्वेजेस से जो रिलीजन है, चाहे गोरखनाथ पीठ को हम लेके चलें, चाहे हिंदुइज्म को लेके चलें, चाहे इस्लामिज्म को लेके चलें, उनकी सबकी पढ़ाई होगी। जो भी सेंट्रल वर्ल्ड में जो भी पढ़ाई होती है मैंने स्टडी किया है, मैंने प्रपोजल दिया है। कहीं वर्ल्ड में हार्वर्ड में भी एक सेंटर है, BHU में सेंटर है, इंडिया में बहुत सारे नहीं हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है। इट्स ए पॉलिटिकल बेस और रिलीजन बेस, हम लोग इसको एकेडमिक बेस बनाएंगे। और इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ UGC में और नीति आयोग में। मैं मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा, लेकिन मैं उसमें जाना चाहता हूँ कि ये सारा लैंग्वेज और इट इज़ अ स्पिरिचुअल साइंस, रिलीजन ना देके हम लोग इसको स्पिरिचुअल साइंस समथिंग करेंगे। तो एक ये मेरा एम लेके मैं चल रहा हूँ। तीसरी बात, मैं मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत कमज़ोर हैं। हमारे पास टैलेंट की भरमार है, टैलेंट की कहीं चाहे बिहार हो चाहे UP हो, टैलेंट की हम उसको शेप अप नहीं कर पाते क्योंकि माहौल नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं भारतीय बच्चे, अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, 7.5 लाख बच्चे जो हर साल US और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और करीब 60,000 करोड़ रुपए फॉरेन मनी, इंडियन मनी, फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। हमारे देश का बजट 33,000 करोड़ है हायर एजुकेशन में। आप देखिए हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेसेस है, क्या हम उन स्टूडेंट को रोक पाएंगे, क्या हम उस पर सोच रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी और हमारे MHRD मिनिस्टर इसी की बात करते हैं कि उनको रोकिए, लेकिन क्या हमारे पास, क्या आप जो हार्वर्ड में पढ़ना चाहता है उसको यहाँ पे गोरखपुर में आप रोक पाएंगे? जब तक आप उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, इसको इस पर काम करना है। ये इंटरनेशनलाइजेशन का ज़माना है। एक मेरा मेन एम रहेगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हमारे बच्चे वहाँ पे, अभी मेरे पास फ़ोन आ रहा था, बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे कि जो COVID-19 में वहाँ बच्चे फेलोशिप पे हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, उनको वो कैंपस में नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज वो दे हैव गोन ऑनलाइन, सब लोग ऑनलाइन चले गए हैं। कैंपस में कैसे करके वो PhD थीसिस कैसे करें? तो वो आ रहे हैं कि हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी उनको दे दें कि यहाँ पे रह के थीसिस लिख लें, और उस यूनिवर्सिटी का, अमेरिकन यूनिवर्सिटी का और इंडियन यूनिवर्सिटी दोनों को मिला के डिग्री दे दें, ड्यूल डिग्री, तो डिग्री उनकी फेलोशिप बच जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द वे यू हैव टू गो ऑन। ये आप अकेले, यू कैनॉट क्रिएट एन हार्वर्ड इन इंडिया नेक्स्ट 25 ईयर। हार्वर्ड का बजट $38 बिलियन है, हमारा अभी 2-3 बिलियन डॉलर है, $38 बिलियन है। तो इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल है, ये सारी चीज़ें मतलब दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कोई ऐसा तरीका है कि आप नारा लगाओ बढ़ जाएगा। तो हार्वर्ड डज एवरी डे लॉट ऑफ थिंग्स टू मेंटेन देयर रेपुटेशन। इस कोरोना में उन्होंने करीब हजारों कोर्सेज चलाए गए, ऑनलाइन डिज़ाइन किए गए, कितना गोरखपुर में बनाया गया, कितना दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनाया गया, कितना बिहार में भी या पूर्णिया यूनिवर्सिटी बनाया गया। उन कोर्सेज को 90% इंडियन बच्चों ने लिया। हार्वर्ड लिखता है इट्स ए फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन जब अप्लाई उसको सर्टिफिकेट मांगेगा तो $50 लेगा। ऐसे 10 लाख सर्टिफिकेट हार्वर्ड और वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज ने दिए, उन्होंने इसमें भी कमाया। What I want to say, it's a market-driven economy. जब तक आप एजुकेशन को मार्केट के ट्रेंड से नहीं देंगे, जोड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप मार्केट, मेरा पर्पज़ क्या, मैं एक कोर्स की मैं चर्चा करूँगा, 3-4 कोर्सेज की मैं चर्चा करूँगा जो मैं यहाँ भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो मैंने एक स्टडी किया था, BHU में था, तो मैं अभी मीडिया में भी था, मतलब इनफैक्ट आई गॉट इट स्टार्टेड कि यूनिवर्सिटीज़ का एवोल्यूशन सिस्टम कैसे होता है इंडिया में।
इंडिया टुडे में फर्स्ट हुआ था, मैं अरुण पुरी से मिला था, तो उसको कैसे स्टार्ट होता है तो आई नो इट हाउ टू डू इट। तो उस स्टडी में एक चीज़ जो समझ में आई कि जो अभी 900 यूनिवर्सिटी हैं, करीब 90% यूनिवर्सिटी में 35-40-50 कोर्सेज से ज़्यादा नहीं पढ़ाए जाते, मतलब हम अपने स्टूडेंट को इतने ही कोर्सेज ऑफर करते हैं। हमारे स्टूडेंट इतना ही जानते हैं कि ये 50 कोर्सेज आप कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जानते ही नहीं, क्योंकि ना तो हमारा टीचर सोच रहा है, ना हमारा एडमिनिस्ट्रेटर सोच रहा है, ना हमारा स्टूडेंट सोच पाता है। अरे वो बीए खासकर पूर्णिया जैसी जगह में तो साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो कि मार्केट डिमांड कर रहा है, वो बीए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, वो क्योंकि उनका प्रिंसिपल और टीचर ये बताता है। बीएचयू ऑफर्स मोर देन 2000 कोर्सेज, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर अराउंड 700 कोर्सेज, बिकॉज वहाँ भी कॉलेज सिस्टम है, तो कॉलेज सिस्टम में जाने के बाद ये थोड़ा सा है कोर्सेज वाला। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑफर्स 900 कोर्सेज, तो क्या हम अपने इंडियन बच्चों को डिनाई नहीं कर रहे हैं वो 1800 कोर्सेज, मतलब 1900 कोर्सेज जो और यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हैं? व्हाट हार्वर्ड डज, हार्वर्ड ऑफर्स 10,000 कोर्सेज फॉर 30,000 स्टूडेंट, प्रिंसटन ऑफर्स 8,000 कोर्सेज फॉर 25,000 स्टूडेंट। तो वो इट इज़ अ मार्केट डिमांडेड। मैं मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में था लास्ट ईयर, तो आई केम टू नो अबाउट अ कोर्स, उनका एक जो डिपार्टमेंट ऑफ पैकेजिंग है वो वर्ल्ड का नंबर वन है। ये भी एक मार्केटिंग है, रैंकिंग करना। तो वो नंबर वन का कैसे मार्केट करते हैं, उन्होंने एक कलेब्रेशन किया, हमारे यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है हैदराबाद में, उस इंस्टीट्यूट से कलेब्रेशन किया और उसमें एक मैनेज है, मैनेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से फाइनेंस होता है। तो एक पैकेजिंग का 2 साल का कोर्स चलता है, वो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कॉमर्स के बच्चों के लिए है। 3 टीचर्स वहाँ से मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से आते हैं, पढ़ाते हैं और $10,000 एक महीने का चार्ज करते हैं। $10,000 इज क्वाइट अनफ इवन इन US। तो $30,000 में उसकी इतनी ब्रांडिंग हो जाती है, कैन यू इमेजिन उसका पैकेज एवरेज क्या है, 6 लाख रुपये, 5 लाख रुपये एनुअल। IIT का इतना पैकेज नहीं है, कोई हमारा स्टूडेंट जानता है पैकेजिंग में करने से इतना हो सकता है? दिस इज़ वाट मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी इज। फिक्स्ड इकोनॉमी खत्म हो गया, कितने IAS बनाइए, कितने आप जो फिक्स्ड 10-20-30-40-50 कोर्सेज, ज़्यादातर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, ये लोग इसी पे काम किया, ऑफिसर्स बनाया। मैं जब बिहार में बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ बिहार हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑफिसर्स एंड लेबर थ्रू आउट द कंट्री। वो जाते हैं लेकिन अपने बिहार में वापस नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं? यू हैव टू सी दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यू शुड डेवलप कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द कैंपसेस। मैंने एक कोर्स वहाँ स्टार्ट किया जो मैं यहाँ भी स्टार्ट करना चाहूँगा, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कलेब्रेशन से स्टार्ट किया। कई बार मैं जब ये चीज़ अपने CM साहब नीतीश कुमार के सामने बोल रहा था कि मैंने एक कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सर करने जा रहा हूँ, तो उनके एक IAS अफसर, उनके सेक्रेटरी बैठे, तो हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। तो बोले VC साहब बोल रहे हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते नहीं, पढ़ने नहीं जाते हैं और हार्वर्ड बनाना चाहते हैं। मैंने ही बोला, मैंने कहा सर मैं हार्वर्ड नहीं बनाना चाहता हूँ, ना बना सकता हूँ, बट आई विश टू क्रिएट अ कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन द कलेब्रेशन, दैट मेरे को कलेब्रेशन भी करूँगा हार्वर्ड से, तो $50,000 हमको देने पड़ेंगे। वो अपने कलेब्रेशन का भी चार्ज करते हैं। तो मैंने कहा सर हम हार्वर्ड ग्रेजुएटेड फैकल्टी आइडेंटिफाई किया है, उनके माध्यम से कोर्स को पढ़ाएंगे। वर्चुअल क्लास हमने वहाँ क्रिएट किया है, वर्चुअल क्लास बिकॉज यू लिटरली एंटर इन दैट क्लास, ये वर्चुअल क्लास का जो कि वो उसका प्रोफेसर आपकी क्लास में एंटर कर सकता है, यू कैन एंटर इन देन हार्वर्ड क्लास। एंड इफ ही टीचेस 5 लेक्चर्स, अगर 5 लेक्चर वो लेता है तो वो आपके सर्टिफिकेट में लिखा जाए कि हार्वर्ड के प्रोफेसर ने 5 लेक्चर लिए, आई पे हिम $1,000, ठीक है $5,000 दिया। तो जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो एनरिच हो जाती है, वैल्यू एड हो जाती है। ये इंटरनेशनलाइजेशन का ज़माना है, हमें इस बातों की करनी है। मैंने एक और कोर्स स्टार्ट किया पूर्णिया में, मैंने देखता था वहाँ पे नेतागिरी का बहुत शौक है स्टूडेंट को भी, सबको, टीचर्स को भी। सबसे ज़्यादा जो कोई मेरे मिलने आता था, सर मैं JDU का हूँ, मैं BJP का हूँ, ABP का हूँ, मैं RSS का हूँ, सर ये लीजिए, विदाउट एनी फिलॉसफी, विदाउट एनी विज़न, विदाउट एनी दिस, दे आर आवर स्टूडेंट,
वी आर सपोज टू गाइड देम, हमारे स्टूडेंट हैं। मैंने एक पहला कोर्स पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इलेक्शन स्ट्रेटजी पे एक स्टार्ट किया डिप्लोमा कोर्स, वो भी अगेन एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पब्लिक लीडरशिप हार्वर्ड में है, उसके कोलैबोरेशन स्टार्ट किया। तो अगर वो बच्चा जाएगा आपके पास जाएगा तो यू विल बी इम्प्रेस्ड कि नहीं ये ठीक है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी या गोरखपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ हार्वर्ड के भी कुछ हैं, यू विल गिव द प्रेफरेंस। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, इट्स अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। हर कोर्सेज को इसी तरह का एक मैंने वहाँ पे तो 25,000 मैं सेल्फ फाइनेंसिंग में लेता था, एक ऐसा कोर्स दिल्ली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शूट है 8 लाख रुपए ले रहे हैं। तो हमको डिज़ाइन करना है, हर तरह के बच्चे हमारे पास लोअर उसमें भी हैं अपर उसमें भी हैं। तो मेरा इस पर फोकस रहेगा कि बहुत सारे मैंने करीब 60 कोर्सेज डिज़ाइन किए थे नए कोर्सेज वहाँ पे, मैं यहाँ भी नए कोर्सेज स्टार्ट करूँगा जो कि मार्केट डिमांड करती है। और हम लोग लकी हैं कि यहाँ पे कैंपस सिस्टम है, दैट हेल्प्स। वहाँ थोड़ा सा दिक्कत बिहार में है कि दे ट्रीट इट यूनिवर्सिटी एज ए ओनली एग्जामिनेशन बॉडी कि आप एग्जामिनेशन कराओ बस, एंड एग्जामिनेशन दे ट्रीट इट एग्जामिनेशन एज ए इंडस्ट्री, उसके आगे बढ़ने नहीं देते। बट यू नीड टू डेवलप दिस फैसिलिटी यूनिवर्सिटी कैंपसेस। आपको पाकिस्तान में अभी भी 10 नोबल लॉरेट बैठते हैं, कोई 90 साल का है, कोई 95 साल का है, दे डोंट इम्पार्ट एनी साइंस और एनी मैसेज, इट्स एनवायरमेंट। तो मेरा जो मैं गोरखनाथ पीठ को पकड़ के चल रहा हूँ, तो इट्स ए क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट। और मैं जो सोचता हूँ कि वन ऑफ द रीज़न क्यों हम लोग पीछे हैं, हम इंटरनेशनल हमारी रैंकिंग के बारे में बता रहा था कि उसमें हम इंटरनेशनल रैंकिंग क्यों नहीं, इसलिए हैं कि हम इंटरनेशनल फैकल्टी अपॉइंट ही नहीं कर सकते, इंटरनेशनल पब्लिकेशन बहुत कमज़ोर है। हमारा एक्ट बोलता है कि आप इंडियन सिटीजन को अपॉइंट करें। तो मैं इस पीठ पे इंटरनेशनल फैकल्टी कैसे अट्रैक्ट किया जाए का प्रपोजल लेके गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ कि हम इसमें अगर 50% इंटरनेशनल फैकल्टी इन्वाइट कर सके तो वी हैव टू बिगेन सम हाउ। डिमांड है, देर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना है, इट कम्स थ्रू एजुकेशन, ये एजुकेशन से ही आने वाला है। और दिस इज़ द वे हम 6% GDP बढ़ाया जो उससे भी काम नहीं चलने वाला है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी गोइंग ऑन। इंडियन एंड चाइनीज स्टूडेंट्स आर कंट्रोलिंग ऑल द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, कैन वी यूटिलाइज दैट टैलेंट? वो स्टिल दे आर द बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर वर्ल्ड के। आपको हम क्या कर रहे हैं, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है चाइना से शिफ्ट हो रही है, हम कितना प्रिपेयर कर रहे हैं हम उसको कैचअप कर लें? इट्स अ लॉन्ग, ये सब एजुकेशन का पार्ट है, इट शुड कम। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ये प्लानिंग हो रही है कि ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में कैसे आएगा, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग कि उसमें सबसे बड़ा हर्डल्स वो उनको दिखाई दे रहा है कि ये उसकी ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है, उसको हैंडल करने के लिए कंपनियां बनने लग गई हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में। हम सोच रहे हैं उतना, हम नहीं सोच रहे हैं। हार्वर्ड कोर्स कॉविड में बनाता है, $50 लाख कमा लेता है फ्री के नाम पर हमारे इंडियन बच्चों से, हम क्यों नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं सोचते हैं ये? और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये सब इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं। जब तक हम इसको और हायर एजुकेशन में स्काई इज़ अ लिमिट टू वर्क, जो मैंने बताया जो पहला सर्वे हुआ BHU फर्स्ट आया, मैं उसके पीछे था जो 2010 में, जो पहले टोटल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे होता ही नहीं था उस समय, 2007 में स्टार्ट हुआ, 10 में पब्लिश हुआ। तो पहली यूनिवर्सिटी BHU आई, 100% मार्क्स थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी 98%, JNU 95, 50th यूनिवर्सिटी आई उसके 5% मार्क्स थे, जो टॉप 50 में इतना वेरिएशन है हायर एजुकेशन में। और जो केवल 900 में केवल 150 यूनिवर्सिटी क्वालिफाई की कि हम लोग उनको इवेलुएट कर सकते हैं, 650-700 यूनिवर्सिटी क्वालिफाई ही नहीं की।
लेकिन वही BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करती हैं, तो दे आर नॉट अमंग द 500 यूनिवर्सिटीज। आई टेल यू, साइंस में आ जाता है 200, IIT आ जाती है, वो डिफरेंट फैक्ट। बट इफ़ यू टेक आईवी लीग यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे टोटल एजुकेशन सिस्टम, तो कोई यूनिवर्सिटी फिट ही नहीं होती है उसमें। ये सब सोचने की बात है। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो बहुत बोलता जाता हूँ कि इतना ज़्यादा स्कोप है काम करने का। आई मीन बिजनेस, आई ट्राई टू वर्क, आई फील कि आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। हम लोग मिलेंगे, बहुत सारे चीज़ें हैं, हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे, मैं शेयर करूँगा। आज पहले दिन एक मैसेज देना चाह रहा था कि सर्टनली वी आर गोइंग टू क्रिएट हब ऑफ एक्सीलेंस फॉर ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन। उस पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए। हाँ, रिसर्च एक इशू रह गया। रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा हर PhD स्टूडेंट को फेलोशिप मिले, और इसके लिए मैं देखूँगा इंटरनल सोर्सेज से क्या करें, या फिर हम UGC को अप्रोच करेंगे। PhD जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, इन्हीं से बेस्ट पब्लिकेशन वर्ल्ड में आते हैं। अगर आप ट्रेस करिएगा तो दिस इज़ द बेसिस, तो उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना है। मैं शायद बहुत सारी चीज़ें रिसर्च फंड डेवलप फंड से टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी जोड़ने जा रहा हूँ, कि जो टीचर्स प्रोजेक्ट्स लाएगा और अच्छे पब्लिकेशन देगा उसको एनकरेजमेंट देंगे, और जो टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाएगा तो उनको और टफ टारगेट दिए जाएंगे। तो दिस इज़ द वे द थिंग्स आर मूविंग, और उस पर सर्टनली बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए नहीं, मैंने जो एक प्रपोजल सबमिट किया था महामहिम को, तो मैंने कहा था बहुत सारी चीज़ें, मैं आज नहीं करना चाह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने उसमें कहा था कि 100 करोड़ का रिसर्च फंड हमारी यूनिवर्सिटी क्रिएट करेगी, और उसमें हम चाहेंगे कि कम्पिटिटिव ग्रांट प्रोजेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी के लोग लें, कॉलेजेस के लोग लें, इवन बाहर के यूनिवर्सिटी अगर कम्पीट करना चाहती है वो भी लें। दैट क्रिएट्स अ रिसर्च एनवायरनमेंट। ये वो ग्रांट जाना जाए कि क्वालिटी प्रोजेक्ट देता है। तो आप अपने घर में स्टार्ट करिएगा, तो यही सब तरीके हैं। और फंड्स की कमी नहीं है, फंड्स लेने वालों की कमी है। और मेरा ये भी मानना है कि गवर्नमेंट से आई विल प्रमोट लॉट ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे मेरे दिमाग में है, जैसे कि अगर हम एक होटल बनाएं, अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट करें, सो लेट अस मेक अ 3-star होटल इन द कैंपस एंड रन द होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग कोर्स इन दैट। वो उसको 70% लीज कर दीजिए, उसके पैसे से ये होटल कोर्स चले, वो सस्टेनेबल हो और वो क्वालिटी मेंटेन है। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी है वो कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो उसके जो वेबसाइट पे एक पूरा ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म, जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी हमारा विजन है, उसका सबका सब वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। जब मैंने वेबसाइट पे लेक्चर डालने स्टार्ट किए जो मैंने इकट्ठे किए, तो टीचर स्टूडेंट परेशान हो गई, हमारे टीचर हैं 70-80% देखने लग गए फिर, लेकिन कुछ लेक्चर्स बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा लेटस, देखिए ये आप सोचिए तो चीज़ें निकलती हैं बहुत देरी सो गई, तो मैंने कहा एक लेटस क्रिएट अ लेक्चर बैंक, जो अच्छे लेक्चर उसमें डालिए, दूसरी यूनिवर्सिटी के भी डालिए, और उसका जो टीचर है उसको कॉपीराइट दीजिए, और उसको अगर उसका कुछ आपको उसको सेल करिए, और अच्छे लेक्चर लेकिन फ्री में स्टूडेंट को अवेलेबल हो। तो ये सब तरीके हैं। तो ऑनलाइन पे बड़ा एक मेजर हम लोग काम करने जा रहे हैं, मैं कभी एक्सक्लूसिव उस पर बात करूँगा। आप किसी टॉपिक पे बात करिए, आई कैन टॉक इन आवर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। शॉर्टेज है आज,
और हाँ मैडम एक दो क्वेश्चन। हाँ मैं जेनेटिक्स प्लांट जेनेटिक्स का प्रोफेसर हूँ और मैं करीब मेरी 28 पेटेंट्स एंड वैराइटीज़ हैं नेशनल लेवल पे और बहुत सारी न्यू रेसेस हैं। मैंने करीब 75 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मैंने अकेले किए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। उसमें मैंने एक 50 करोड़ का एक सिंगल प्रोजेक्ट था AIP एग्रीकल्चर इनोवेशन पार्टनरशिप BHU में था, तो मैं उसका कोऑर्डिनेटर था इंडियन साइड से। उसमें 5 अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी, हार्वर्ड, टेनेसी एंड देन UC डेविस और इलिनॉय, एक तस्की की एक ब्लैक यूनिवर्सिटी है माइनॉरिटी की वहाँ पे। तो वो $50 मिलियन US सेड ने दिया था, तो उसमें मैंने काम किया था एग्रीकल्चर एजुकेशन को कैसे इंटरनेशनलाइज किया जाए। तो आई हैव डन इट, बट नाउ इन द मेन एजुकेशन मेरे को लगता है कि ये इस एजुकेशन में ज़्यादा स्कोप है काम करने का। उसमें ऑलरेडी एक स्टूडेंट पे एग्रीकल्चर में PhD के स्टूडेंट पे करीब 5 लाख रुपया खर्चा, MSc के स्टूडेंट में खर्चा किया जाता है, वही जब आप जनरल स्टूडेंट पे आइएगा 6-7 हज़ार रुपया नहीं खर्चा किया जाता। तो ये सब इश्यूज हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए एग्रीकल्चर का अच्छा ग्रेजुएट निकल रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऐसे ऐसे अच्छे नहीं निकलते हैं, यू हैव टू ट्रेन दैम। US में जाइए, एक क्रेडिट आवर का $1,000 आपसे चार्ज कर लेंगे, आप इंडियन हैं, आप दस रुपये में चाहते हैं कि वो उस लेवल की एजुकेशन दे, ये सब सोचने की बातें हैं। और हमें भी ये कुछ इस यहाँ पे स्टार्ट करना है जी। और कुछ है? यस मैडम, आपने कहा कि आप ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन करने वाले हैं या करेंगे, यूज़ करेंगे इस यूनिवर्सिटी में जो कि मार्केट ड्रिवन है, ज़्यादा मार्केट बड़े मार्केट अच्छा है, लेकिन आपने उसको बेचने की बात की बिकॉज द फी स्ट्रक्चर विल बी समवॉट डिफिकल्ट डिफरेंट व्हिच इज प्रिवेलिंग राइट नाउ इन द यूनिवर्सिटी। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या आप कोई स्पॉन्सरशिप के लिए आएंगे, क्योंकि हमारे जो ईस्ट यूपी है वहाँ पर यहाँ पे बहुत सारे गरीब स्टूडेंट हैं जो कि शायद अफोर्ड नहीं कर पाए, तो क्या ऐसा भी कुछ आपके दिमाग में है कि उसको स्कॉलरशिप से जोड़ा जाए या स्पॉन्सर हो? देखिए मैडम, हाँ ये सब ये लंबी डिबेट है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैंने जो ये कोर्स स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस विद, तो उसमें मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया, उसके बाद कॉमर्स में स्टार्ट किया, तो उसके साथ साथ हमने बिजनेस इंक्यूबेटर सेट किया। उस बिजनेस इंक्यूबेटर में हमने कहा कि ये जो हमने उससे कमिटमेंट लिया, हमने एक नॉर्थ बिहार कन्क्लेव किया, बिहार के जो सबसे जो लोगों को बुलाया और हाँ और उनके जो बिजनेसमैन हैं उनसे कहा कि हमारे फर्स्ट बैच को आप प्लेसमेंट देंगे। उस नॉर्थ बिहार कन्क्लेव में हमने ये बात कही, दे एग्रीड, और उसके 20% बच्चों को हमने कहा कि वील स्टार्ट स्टार्टअप्स इन द कैंपस, और वो हमने अपने हमने अपनी गारंटी ली कि उनको जो फिनेंस होगा बैंक से वो यूनिवर्सिटी अपने गारंटी पे कराएगी। सो देयर आर मॉडल्स, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे गांव से निकल के हार्वर्ड में जाते हैं, वो देयर आर वेज, ऐसा नहीं कि हम बात करें और उनको हम छोड़ दें। है पैसे की कमी नहीं आती है अगर ठीक से, हाँ हम सबके लिए एक साथ नहीं कर सकते हैं, बट एक माहौल बना सकते हैं, माहौल बनाएंगे, उसी में कुछ जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। सो और मेरा ये पर्पज़ है, मैं जो BHU में था, मैं 7.5 साल मैं PR का भी काम भी देखा, करीब हमने 40 इंटरनेशनल MOU साइन कराए, तो मैं नेगोशिएशन टीम में रहता था। एक अच्छी चीज़ ये थी कि वो 40 के 40 MOU जो है BHU ने नहीं स्टार्ट कराया, अमेरिकन और वेस्ट यूनिवर्सिटीज ने। वो हमारी स्ट्रेंथ को जानती है लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानते, तो ये जानने की ज़रूरत है। हमारे कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट उनकी मार्केट हैं, इंडियन चाइनीज स्टूडेंट टॉप कर दें जाना अमेरिका में तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अभी हार्वर्ड और MIT ने केस कर दिया गवर्नमेंट में, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि सारे स्टूडेंट जाएँ आप अपने कंट्री में, दे हैव 99% इंटरनेशनल स्टूडेंट बोथ, और उसमें से मेजर इंडिया चाइना से जाते हैं, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है उसका स्ट्रक्चर सीखे, हम लोग से चल रही है तो हम लोग क्यों नहीं चला सकते। हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं,
विल टॉक, वही तरीके हैं, बीच का रास्ता निकालेंगे, बट दैट इज़ व्हाट इंटरनेशनल आई है। थैंक यू सो मच।